और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह पर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ब्रजभूषण को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। 15 दिनों के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी पुलिस। पहलवानों के दावे को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है। तो सूत्र बता रहे हैं कि इन्हें अरेस्ट करने के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करने के लिए, जो कि पहलवानों की मांग है, इसको लेकर कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दरअसल दिल्ली पुलिस को कोर्ट की तरफ से ये आदेश था कि इनके खिलाफ FIR हो, और अब मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। ये खबर सामने आई है कि 15 दिनों में अब जो रिपोर्ट सौंपनी है, रिपोर्ट को लेकर पेशी भी है। सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। पहलवानों के जो दावे सामने आए हैं उसको लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। पहलवान लगातार मांग कर रहे हैं कि अरेस्ट किया जाना चाहिए। और जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है कि क्या कोई, अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों का मानना है कि कोई साक्ष्य या सबूत नहीं है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ अब तक की तफ्तीश में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। और हालांकि दिल्ली पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि अगले 15 दिन के अंदर वो इस केस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर दाखिल करने जा रहे हैं, यानी कि उसमें बताया जाएगा कि सबूत नहीं मिले हैं और इसी ब्याह पर चार्जशीट इस केस के अंदर दायर नहीं की जा सकती। और हो सकता है कि इसमें FIR लगाने की बात भी, यानी कि केस को क्लोज करने की बात भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाए। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि जितने भी विक्टिम थी सभी के 164 के बयान दर्ज करवाए गए, लेकिन जो बयान हुए उनकी जब तफ्तीश की गई तो उसके बाद कोई ठोस सबूत ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं मिले। जी, और अगर FIR लगती, जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अब जैसा कि पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, जो कि पहलवानों के जरिए ये दावा किया जा रहा है।